फाइनली जिस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार था आखिर वो फिल्म रिलीज हो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोला की। भोला की फिल्म की आज हम आपको रिव्यू करेंगे और बताएंगे भोला फिल्म कैसी है। देखो पहले बात करें इस फिल्म की कहानी। कहानी स्टार्ट होती है एक जबरदस्त एक्शन के साथ जिसमें अज्जू भाई अपने खतरनाक तरीके से एक्शन करते हुए नजर आते हैं। बट इस फिल्म की कहानी आपको बता दें कैथी मूवी से उसका ऑफिशियल रीमेक है ये भोला। भोला फिल्म को खुद डायरेक्ट अजय देवगन सर ने किया है। बट इस फिल्म की सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, क्योंकि जो कैथी मूवी उसको पूरी तरीके से उठा दिया, बस कुछ सीन को उसको जो है चेंज किया है। इसीलिए बोलते हैं नकल के लिए अकल चाहिए, तो अकल अजय देवगन ने लगाया या कुछ चीजें जो है वहां पे चेंज की हैं। अगर उसको चेंज भी नहीं करते कोई फर्क फिल्म पे पड़ने वाला नहीं था। बट बात करें इस फिल्म की एक्शन की, एक्शन इसका कमाल का है, जबरदस्त। स्पेशली सबसे जबरदस्त सीन मुझे तो लगा था वो जो त्रिशूल में अजय देवगन घुमा घुमा के भैया सबको दे रहे थे, जबरदस्त तरीके से तोड़ रहे थे, पीट रहे थे, मजा आ रही थी। ट्रक वाली सीन दिखाई गई उसके अंदर आपको यूट्यूब में पहले ही से अवेलेबल है, 3 मिनट की कुछ सीन जो सीन दिखाई गई वही जिस फिल्म के अंदर, बस कुछ चीजें जो थोड़ी और एक्स्ट्रा देखने को मिलती है वो आपने पहले ही ट्रेलर में और टीजर में देख लिए। लेकिन इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ी यूएसपी हम लोग सोचते थे इसके अंदर जो तब्बू जी हैं, तब्बू जी अगर हैं तो उनकी लकी चार में जीते। तब्बू जी तो यार वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब्बू जी का जो रोल है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से हम लोग सोच के गए थे। बहरहाल इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज करते हुए नजर आते हैं दीपक डोबरियाल। जो दीपक डोबरियाल ने इसमें जो कैरेक्टर निभाया अपना, खतरनाक निभाया, जबरदस्त, वो एकदम जबरदस्त लगे। अजय देवगन ने बात करके किसी की परफॉर्मेंस जबरदस्त है वो है तो फिर दीपक डोबरियाल की है। उसके बाद जो है तब्बू ने भी अपना कैरेक्टर खुद ठीक ठाक निभाया है। संजय मिश्रा का भी जो है वो ठीक ठाक है। बहरहाल इस फिल्म पूरी फिल्म जो है मास महाराजा जो वो अजय देवगन के कंधों पर है। अजय देवगन जहां जहां दिखते हैं और एक्शन करते हुए नजर आते हैं लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और डॉटर की जो कहानी इस पे भी बेस्ड है और जो उसका इमोशन टचिंग है ना बहुत ही कम दिखाया गया कि आपके दिल पे लगेगा नहीं वो इमोशन जो हिसाब से कैथी मूवी में दिखाया गया था, वो इमोशन यहाँ पे बहुत मिस करता हुआ नजर आता है। देखो रवि बसरूर का म्यूजिक है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है रवि बसरूर ने जो केजीएफ से धमाल मचाया था, लेकिन वो बार बार वही चीज दिखाना ना वो इरिटेट करने लगता है यार। वही चीज मजा नहीं आती, वो जो पहली केजीएफ में देख लिया तो बार बार वही चीज मजा नहीं आती। पेक्स जो है वो कमाल का है, जबरदस्त है, क्योंकि अजय देवगन ने इस फिल्म में इसी पे मेहनत की है कि फिल्म में जबरदस्त तरीके से पेक्स डालकर और जबरदस्त एक्शन दिखाकर फिल्म को दिखाना है। देखो जब उन्होंने शिवाय फिल्म दिखाई थी वहां पे उन्होंने पहाड़ों का खूबसूरत लोकेशन दिखाने फिल्म आने पे पूरी फिल्म बना दी थी शिवाय। और उसके बाद रनवे बनाए थे, रनवे आपको पता है एक रियल स्टोरी पे थी और वहां पे हीरो अजय देवगन खुद बन गए थे क्योंकि वो लैंड कैसे कैसे करवा देता है, वो पायलट की सुपर हीरो बन जाता है, वही हिसाब से रनवे उन्होंने बनाई। दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। अगर अजय देवगन इसमें थोड़ी सी मेहनत स्क्रीन प्ले में और राइटिंग में कर ली होता तो फिल्म एक कमाल की हो सकती थी। देखो इस फिल्म के लिए मैं इतना कहूंगा ये फिल्म मुझे तो ठीक ठाक लगी। अगर आप थिएटर में जाओगे और दिमाग लेके जाओगे तो ये फिल्म आपको बहुत ही बकवास लगेगी, लेकिन अगर आप बाहर आओगे तो अजय देवगन एक्शन देखकर आप सारी चीजें भूल जाओगे, सिर्फ आपके दिमाग अजय देवगन एक्शन चलेगा जो कि जबरदस्त कमाल का जबरदस्त बाप लेवल है। बट एक चीज मैं इन्हें बताना चाहूंगा, अजय देवगन ने जो अपनी तरीके से इस टाइम परफॉर्मेंस की है वो जबरदस्त की, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अजय देवगन ने अपने हिसाब से हर फील्ड में काम सही किया है, लेकिन जब स्क्रीन प्ले और राइटरी थोड़ी कमजोर हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। लेकिन कैथी मूवी से अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये फिल्म बहुत ही जबरदस्त और कमाल की धमाल लगने वाली है, और अगर आपने कैथी मूवी देखी है तो आपको ये फिल्म बकवास लगने वाली है। बहरहाल एक चीज ये है कि ये फिल्म अब जो है मॉक पब्लिसिटी पर टिकी हुई है, जैसे जैसे पब्लिक इसे पसंद करेगी ये फिल्म उस तरीके से, वरना इस फिल्म के लिए आने वाली राहें जो है बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि तमाम चीजें मुझे लगता है कि मॉक पब्लिसिटी ही इस फिल्म को बचा सकती है। हम तो उम्मीद करते हैं फिल्म एक अच्छे तरीके से बिजनेस करे। बहरहाल आपकी मर्जी है, फिल्म आप देखने जाओ कि ना जाओ, मेरी ओपिनियन ये थी कि मैंने देखी मुझे तो ठीक ठाक लगी, कोई इतनी बकवास नहीं लगी, बट कुछ चीज़ें जो मिस थी और मुझे लगा कि ये चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे मिस किया जो फादर और डॉटर का जो रिलेशन है वो बहुत अधूरा अधूरा दिखाया गया, जो हार्ट टच होना चाहिए ना वो टच नहीं हो पाया यार। बट ले देखे सिर्फ मजा जो था इस फिल्म के अंदर वो कमाल का एक्शन था, और एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये फिल्म ठीक ठाक लगी है। बंदे ने मेहनत की है, अप्रिशिएट करना बनता है बॉस। बट आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा देना ताकि न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, सी यू अगेन।